हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर क्लास ऑफ क्लैरिटी क्लासेस। तो आज हम दोस्तों आज के क्लास में डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं, ना ही नवार्ड में बल्कि अदर एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन में भी। तो आज के चैप्टर नंबर 15 में हम पढ़ेंगे फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जो हमारा अप्रोच होगा इस पूरे चैप्टर में, हम स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट भी कवर करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, बिकॉज दोनों से मिला के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हावर अप्रोच विल बी होलिस्टिक एंड विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, एंड ये सफिशियंट होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी मोर देन एनफ फॉर फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एज पर नबार्ड सिलेबस। सो लेट्स मूव ऑन एंड स्टडी दिस चैप्टर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने है कौन और आपके सामने किंग खान, और किंग खान आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो क्या आप इन सवाल के आंसर दोगे? पहला क्वेश्चन है फार्म पावर किलोवाट पर हेक्टेयर, दैट इज इन 2016-17 में कितना है, और आप क्या बता सकते हो कि 2030 तक जो है उसका टारगेट हमें कितना ले जाना है, फार्म पावर हमारे जो ठीक है एबिलिटी है उसे कितने ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्ट एंड डेप्थ फॉर चीजल प्लो, ठीक है ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है IBPS AFO में और नाबार्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम फार्म पावर क्रेडिट इन विच स्टेट, जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स में क्रेडिट दी जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी क्रेडिट लिमिट 1,500,000 करोड़ के आसपास है हमारे इस 2020 बजट में, तो किस स्टेट ने फार्म पावर के सेक्टर में सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया है? कैन यू नेम दिस स्टेट? नंबर ऑफ पैरामीटर इन SMAM, SMAM क्या है क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आज हम देखेंगे SMAM के हैं तो उसमें कितने पैरामीटर से क्या आप बता सकते हैं। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चंस? इफ यस इट्स वेरी गुड, इफ नो तो चलिए बने रहिए, हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को आज। सो लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे फार्म मशीनरी एंड पावर में, जो भी हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स होते हैं राइट, उसमें पावर की जरूरत होती है। बिना पावर के आप क्या है कोई भी ऑपरेशन एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते हो, राइट फ्रॉम सोइंग ऑफ सीड टू हार्वेस्टिंग, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हमें ईच एंड एवरी स्टेप में क्या चीज की जरूरत है? पावर। अगर पावर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी काम का नहीं होगा। तो पहले का जो सब सिचुएशन था, जैसा कि मैंने चार्ट में शो किया है 1971-72 का आप सिचुएशन ले ले, तो ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर हमारे पास अवेलेबल थे, एग्रीकल्चर वर्कर्स, ड्रॉट एनिमल्स, ट्रैक्टर, पावर टिलर, डीजल इंजन, ठीक है टोटल मिला के 0.29 किलोवाट पर हेक्टेयर, मींस एक हेक्टेयर में इतना ही पावर हुआ करता था। तो जैसा कि हमें फार्म मेकनाइजेशन की जरूरत है तो ये पावर बहुत ही कम था। अब ये बढ़ के कितना हो गया है 2012-13 में 1.94, और अभी रिसेंटली अगर हम डेटा की बात करें जो कि अवेलेबल है पब्लिक फोरम में और ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से, सो दिस इज 2.02, ठीक है 2016-17 में, और इसे हमें टारगेट करके बढ़ा के ले जाना है कहाँ तक? 4 किलो वाट पर हेक्टेयर तक। तो ये दोनों जो फिगर्स हैं दैट इज 16-17 एंड जो हमारा टारगेट है, इन दोनों को आप जरूर याद रखें, 4 किलो वाट एंड 2.02 किलो वाट पर हेक्टेयर। अब क्या डिफरेंस नजर आएगा? जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो पावर जनरेट हुआ करता था, आप देख सकते हैं 71-72 से 2013 में हम आते हैं तो ये घटते जा रहे हैं, और क्या बढ़ते जा रहा है? जो ट्रैक्टर से जो पावर आते हैं वो बढ़ते, कहाँ 7 था और कहाँ ये 45 पहुँच गया है। तो ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमारे पावर सेक्टर में, ठीक है एग्रीकल्चर में जिस सोर्स में पावर डिराइव करते हैं। तो जो मैनुअल सोर्सेज है उनके पावर घटते चले जा रहे हैं, और जो मेकेनाइज सोर्सेज है लाइक ट्रैक्टर्स, डीजल इंजन्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इनके देखें बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे फार्म मेकनाइजेशन के लिए, बिकॉज जितना ज़्यादा हम मेकनाइज्ड होंगे हमारा एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा डेवलप होगा और हम कम्पीट कर सकते हैं डेवलप्ड नेशन के साथ। तो ये फिगर आपको ज़रूर याद रखना है। और एक फिगर मैंने दिया नंबर ऑफ ये ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स है जो हमने रिसेंटली अभी बेचे हैं, तो ये माइट शो कर रहा है कि हम कितने ज़्यादा ट्रैक्टर पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इस मशीनरी इंडस्ट्री का, ये 7.53% है। ये परसेंटेज मैंने लिया है कहाँ से? मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया, तो इसे आप याद रख सकते हैं। नीचे ब्लू बॉक्स में कहते हैं ओवरऑल फार्म मेकेनाइजेशन इन इंडिया हैज रैदर लोअर 40-45%। हमारा जो फार्म मेकेनाइजेशन है वो बहुत ही कम है किनके कंपेरिजन में?
डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए जहाँ की 95% फार्म मैकेनाइजेशन है। अगर हम हमारे नेबर की बात करें तो वहाँ 57% फार्म मैकेनाइजेशन है, हमारा जो फार्म मैकेनाइजेशन है मात्र 42-45% है। तो ये डेटाज आप याद रखिए, राइट। तो हमने देखा कि हमारे फार्म में पावर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और इसमें क्या चेंजिंग सिनारियो है, हाउ इट हैज चेंज्ड। तो अगर हम बात करें किस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में कितनी मैकेनाइजेशन अभी तक हम कर चुके हैं, तो हम देखेंगे कि सॉयल एंड वर्किंग दैट इज इनिशियल स्टेज में सीड बेड प्रिपरेशन में दिस इज 40%, और जैसे जैसे और भी मैकेनाइजेशन प्रोसेस को हम देखेंगे तो हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग जो कि लास्ट स्टेज होता है उसमें मैकेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस वी हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मैकेनाइजेशन। तो ये आंसर होगा, जैसे वो ऑप्शन दे देंगे आपके 1, 2, 3, 4, तो हाईएस्ट किस में है, हार्वेस्टिंग में। अगर हम लोएस्ट की बात करें तो सीडिंग एंड प्लांटिंग स्टेज में सबसे कम हम अभी तक मैकेनाइज्ड हैं, दैट इज 29% ओनली, ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चर में जो क्रेडिट हम देते हैं, लोन्स देते हैं फार्मर में, उसमें हम मैकेनाइज्ड लोन मीन्स मैकेनाइजेशन के लिए कितना लोन देते हैं, तो हम जितने भी लोन है उसमें से मात्र 2.73% इज गिवन फॉर मैकेनाइजेशन। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन आगे हैं, एमपी आगे हैं। एमपी में जो एग्रीकल्चरल लोन्स दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैकेनाइजेशन के लिए एमपी में ही दिए गए, देन गुजरात, देन ओडिशा। अगर हम इक्विपमेंट के टर्म्स की बात करें कि किस इक्विपमेंट, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा लोन्स दिए गए हैं, ठीक है, एबंडेंट है, तो वो है हमारे मैनुअल सीड ड्रिल, इसको आप याद रखेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। 40-45% मैकेनाइजेशन ये मैंने आपको पहले ही अभी बताया है, तो इस परसेंटेज ऑफ मैकेनाइजेशन के डिफरेंट डेटास को आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो मैकेनाइजेशन है, हम ना ही खुद मैकेनाइज हो रहे हैं बट इंडिया और भी कंट्रीज को भी मैकेनाइज कर रहा है। तो अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करें, ना तो हम ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं, बट हम कुछ ट्रैक्टर एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस जो अफ्रीकन कंट्रीज और आशियान कंट्रीज में है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो वी आर एक्सपोर्टिंग ट्रैक्टर टू अफ्रीकन एंड आशियान कंट्रीज, आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम ईरान, श्रीलंका और नेपाल की बात करें तो यहाँ हम कंबाइन हार्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, इन कंट्रीज में इंडिया दे रहा है। तो ये सारी कंट्रीज है जहाँ हमारे, ठीक है, एग्रीकल्चर जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स है वो जा रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू SMAM, SMAM से आप क्या समझते हैं, दैट इज सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जो कि लॉन्च किया गया था 2014-15 में। ये एक ऐसा स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का जिससे हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना ज़्यादा मैकेनाइज कर सके और फार्मर फ्रेंडली बना सके। तो इसके अंदर टोटल 7 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, 7 पैरामीटर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज दिए गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, पैरामीटर 1 इज प्रमोशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन थ्रू 3 स्टेप्स है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, TTD आप बोल सकते हैं, T, T और D, इन तीनों स्टेप्स में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ठीक है, हम अपने एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन को कैसे ट्रेन करके, टेस्ट करके और डेमोन्स्ट्रेट करके बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज योर डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा जरूरी है, दैट इज आफ्टर हार्वेस्टिंग। पैरामीटर 3 फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, 40% तक हम क्या करते हैं, असिस्टेंस देते अपने फार्मर को फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी। पैरामीटर 4 वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए रिसेंट कंसेप्ट, दैट इज CHC, कस्टम हायरिंग सेक्टर, जैसे कि ओला उबेर कार में चल रहा है जिसमें कि हम किराया दे के कुछ पल के लिए कार लेते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट CHC को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जहाँ पे फार्मर अगर एक्सपेंसिव जो मशीनरी उनको नहीं खरीद सकता तो किराया पे लेके उसे यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाईटेक हाई प्रोडक्टिव इक्विपमेंट हब्स, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है उनके हब के बनाने की बात की गई है। पैरामीटर 6 इज प्रमोशन ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन सेलेक्टेड विलेजेस, जहाँ पे की कोई मैकेनाइजेशन नहीं है। एंड लास्ट पैरामीटर इज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ मैकेनाइज्ड ऑपरेशन थ्रू CHC, ठीक है। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स है जो कि SMAM से रिलेटेड है। ट्रैक्टर पेनिट्रेशन हैज इंक्रीज्ड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम 1, पहले जो ट्रैक्टर अवेलेबल था वो 150 हेक्टेयर में सिर्फ एक ट्रैक्टर अवेलेबल हुआ करता था, बट अब एक ट्रैक्टर हमारे पास हर 30 हेक्टेयर में अवेलेबल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस है रिलेटेड टू आवर मैकेनाइजेशन, इसे आप याद रखेंगे।
तो धीरे धीरे जैसे हम अपने मैकेनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, तो इस मैकेनाइजेशन से बेनिफिट क्या हो रहे हैं हमारे को, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे बेनिफिट्स की, तो ये बेनिफिट्स के जो डेटा आप याद रखेंगे, दिस डेटाज हैव बीन पिक्ड फ्रॉम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। तो सीड फर्टिलाइजर के जो कंजम्पशन है वो 15 से 20% तक कम हुआ है, ठीक है, ये एक बेनिफिट है। जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ गया 5 से 20% तक। और हम इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी की बात करें हमारे एग्रीकल्चर की, तो 15 से 20% बढ़ गया। तो ये परसेंटेज काफ़ी आसान है, पहला और तीसरा सेम, दैट इज 15 से 20% एंड मिडिल वन इज 5 to 20%। तो ये बेनिफिट्स हैं मैकेनाइजेशन के। तो जिन कंपोनेंट्स के बारे में अभी हमने देखा, दैट इज 7 components और 7 parameters यू कैन से, तो इन पैरामीटर्स में गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है, डिफरेंट पैरामीटर्स में डिफरेंट असिस्टेंस है, जैसे कि आपको एक ओवरऑल व्यू लेना है, बिकॉज असिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नवार्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहला जो हमारा पैरामीटर था वो था टेस्टिंग ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड, दिस इज दिस वन, ठीक है। तो इसमें कितना जो असिस्टेंस मिल रहा है उसे आप याद रखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 100% है, ट्रेनिंग के लिए ठीक है 25 लाख पर स्टेट पर ईयर, एक स्टेट को 25 लाख रुपए तक दिया जाएगा, और टेस्टिंग के लिए 1.5 करोड़ पर सेंटर, एक सेंटर के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर हम बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट, जो हमने देखा था, अगर कोई फार्मर प्रोक्योर कर रहा है मशीनरी, तो उसे 40% तक का क्या होगा असिस्टेंस दिया जाएगा। सिमिलरली यू कैन हैव असिस्टेंस फॉर दिस लाइक अप टू 60% फॉर फाइनेंशियल असिस्टमेंट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट। अगर पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट है तो वहाँ पे 60% तक का आपको दिया जाएगा, बट कोई जनरल इंस्ट्रूमेंट है तो वहाँ 40% है। तो दोनों को आप डिफरेंस को याद रखेंगे, 40% एंड दिस 60%, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट जहाँ जाए दैट इज 60%। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पोस्ट हार्वेस्ट अगेन 100%, यहाँ भी 100% है, सेम है। ट्रेनिंग के लिए 25 लाख और यहाँ भी 25 लाख सेम है। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। अगर हम CHC की बात करें, दैट इज कस्टम हायरिंग सेंटर, ठीक है, वो कितने भी वैल्यू का हो तो वहाँ पे क्या है असिस्टेंस, दैट इज अप टू 40%। सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, आपको बस ये याद रखना है, राइट। तो ये हमारे 4 parameters कवर हो गए, और कितनी असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है वो भी कवर हो जाता है। सो सिमिलरली 5, 6, 7 number पैरामीटर्स और उनके असिस्टेंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें कि किस पैरामीटर में कितना परसेंट, लगभग सिमिलर ही है, 40% है, ठीक है। जब हम बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में, यहाँ तो 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फार्म मशीनरी है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एंड मैक्सिमम लिमिट यह 10 लाख तक है। तब एक बार पॉज करके इस असिस्टेंस को खुद से देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। अब हम बात करते हैं उबराइजेशन की, जैसा कि ओला या उबर जो हमारे डिफरेंट कस्टम हायरिंग सेंटर्स चलते हैं कार में, ठीक है, उसी तरह से हमारे फार्मर्स को भी कस्टम हायरिंग सेंटर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स को हम 3-tier स्ट्रक्चर में देखते हैं, ठीक है। ये जो हायरिंग CHCs होते हैं एज पर गवर्नमेंट स्कीम, ये 3-tier स्ट्रक्चर में चलते हैं, ठीक है। पहला टायर आपका हो गया ग्राम पंचायत या विलेज लेवल में, दूसरा जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक, जो उसमें कि 75 to 100 lakhs तक का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। नेक्स्ट इज जो रीजनल और स्टेट लेवल कस्टम हायरिंग सेंटर्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट 150 से 200 lakh रुपीस तक होता है। तो दोनों अमाउंट को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 75 to 100 lakhs एंड दिस इज अराउंड 150 to 200 lakhs। तो उबराइजेशन मीन्स कस्टम हायरिंग ऑफ आवर एग्रीकल्चर मशीनरी, और ये 3-tier स्ट्रक्चर में काम करेगा, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। इसमें और एक टर्मिनोलॉजी आजकल यूज हो रहा है, दैट इज फास। फास का फुल फॉर्म होता है फार्मिंग एज ए सर्विस, आप याद रखेंगे फास को। ए नंबर ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग लेबर, मैनेजिंग एक्चुअल फील्ड, ठीक है, सिर्फ मशीनरी नहीं प्रोवाइड करना बट लेबर देना, फील्ड को मैनेज करना, ये सारा किस चीज में आ जाता है, फार्मिंग एज ए सर्विस, दैट इज फास में, ठीक है, FAAS में, शॉर्टकट में हम इसे जानते हैं और याद रखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी देख लेते हैं रिलेटेड टू अवर एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड मैकेनाइजेशन। तो 1890 में जो फर्स्ट बार वर्ड जो है ट्रैक्टर अपीयर हुआ था, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 1911 में फर्स्ट ट्रैक्टर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था जापान में, ओमाहा जापान में। 1960-61 में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम 1947 में बात करें तो सबसे पहले पावर टिलर इंट्रोड्यूस किया गया था जापान में, और 1963 में ये सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नबार्ड 2016 में,
ठीक है, तो इस तरह की क्रोनोलॉजी को आप याद रख सकते हैं। अगर पावर टिलर के बारे में पूछा गया तो हो सकता है ट्रैक्टर के बारे में पूछ जाए कि इंडिया में सबसे पहले कब ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, तो दैट इज इन 1961 में। अगर हम बात करें सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न, इट इज नॉर्मली रिकमेंडेड 1 HP, ठीक है, फॉर एवरी 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। हमें इतने पावर का ट्रैक्टर चाहिए, ठीक है, अगर हम सिंगल क्रॉपिंग जहाँ पे एक क्रॉप सिर्फ लगा के रखे हैं। इन अदर वर्ड्स, 1 ट्रैक्टर ऑफ 20 से 25 हॉर्स पावर इज फॉर 40 हेक्टेयर। अगर 1 HP, ठीक है, 2 हेक्टेयर के लिए यूज हो रहा है, तो टोटल हमें कितना चाहिए होगा, 20 से 25 HP का जो ट्रैक्टर है वो चाहिए होगा अराउंड 40 हेक्टेयर फार्म के लिए। तो ये डाटा आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरली 1.5 हेक्टेयर पर HP हैज बिन रिकमेंडेड वेर एडिक्वेट इरीगेशन, जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी एडिक्वेट है वहाँ में 1.5 हेक्टेयर, 1.5 HP चाहिए, ठीक है, पर हेक्टेयर के लिए। और इसके लिए अगर हम टोटल करेंगे ऐसे तो 30 से 35 HP का ट्रैक्टर हमारे लिए 40 हेक्टेयर के लिए सफिशियंट होगा। ये हो गया सिंगल क्रॉपिंग के लिए 20 से 25 HP, और इरिगेटेड लैंड के लिए 30 से 35, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा जो सेगमेंट होगा, अब हम पढ़ेंगे अभी 3-4 टॉपिक्स इस लेक्चर में, उसमें हम फोकस करेंगे हमारे जो एग्रीकल्चर में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लाइक फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, तो किस स्टेज में हम कौन से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यूज करेंगे और उन इक्विपमेंट्स की क्या स्पेसिफिकेशंस होगी, ठीक है, बिकॉज इन स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला अगर हमारा जो एग्रीकल्चर में स्टेज होता है, डेट इज प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट। प्राइमरी टिलेज आप क्या समझते हैं, प्राइमरी टिलेज का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ लैंड। सोइंग से पहले जो हम डीप प्रिपरेशन करते हैं अपने लैंड की, ठीक है, उसमें जो हम उसको डिग करते हैं और सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, सॉइल के हार्डनेस को खत्म करके सॉइल के टिल्थ को फाइन बनाते हैं, तो ये हम प्राइमरी टिलेज में करते हैं। तो प्राइमरी टिलेज जो है वो इनिशियल स्टेप होता है फॉर आवर प्रिपरेशन ऑफ लैंड, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, इसमें इंडिजिनस फ्लो, इंडिजिनस फ्लो जिसमें कि बैल के द्वारा हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं अपने फील्ड की, तो ये स्मॉल स्केल में यूज होता है इंडिजिनस फ्लो, ठीक है। ये इसका डेप्थ जो होता है काफी कम होता है, दैट इज ये 15 सेंटीमीटर तक ही डीप तक फ्लो कर सकता है, और इसकी कैपेसिटी आप याद रख सकते हैं इंडिजिनस फ्लो की बहुत कम होती है, दैट इज 0.4 हेक्टेयर पर डे। नेक्स्ट आता है एमबी फ्लो। एमबी फ्लो इज मोल्ड बोर्ड फ्लो। मोल्ड बोर्ड का मतलब होता है जो ये पेनिट्रेटिंग पार्ट होता है, ठीक है, इसको मोल्ड बोर्ड शेप में होता है। तो अगर हम बात करें इसकी डेप्थ की, तो ये 25 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक काम कर सकता है। इंडिजिनस फ्लो आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर था, मोल्ड बोर्ड में ये बढ़ के 25 से 30 सेंटीमीटर चला जाता है। और एक टाइप का फ्लो होता है जो कि हम और डेप्थ को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज डिस्क फ्लो। सबसे कम ये, फिर ये, देन इज ये। इसमें देखिए डेप्थ बढ़ गया 30 से 35 सेंटीमीटर। तो जब भी डिस्क फ्लो की बात होती है, आप इन दो एंगल्स को जरूर याद रखिए डिस्क फ्लो में, दैट इज डिस्क एंगल राइट एंड टिल्ट एंगल। डिस्क एंगल से हम हॉरिजेंटल डेप्थ को देखते हैं कि कितना कटिंग वो करता है, टिल्ट एंगल से हम देखते हैं कितना डीप तक वो कटिंग कर सकता है। तो डिस्क एंगल इज 42 to 45 डिग्री एंड टिल्ट एंगल इज 15 to 25 डिग्री। इन दोनों डेटा को आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क एंगल एंड टिल्ट एंगल ऑफ ए डिस्क फ्लो। तो डिस्क फ्लो जो होता है या फिर एमबी फ्लो होता है क्या काम करता है, कटिंग दी फॉर स्लाइस, लिफ्टिंग दी फॉर स्लाइस, कट करेगा उसको, लिफ्ट करेगा उसको, इन्वर्ट करेगा, सॉइल को कट किया उसको लिफ्ट किया, देन इट विल इन्वर्ट, ठीक है, तो फाइनली ये पल्वराइज कर देगा। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्ट टाइप ऑफ जो एमबी फ्लो होते हैं वो ग्रासी सॉइल के लिए यूज होते हैं, ठीक है, सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब ये ग्रास होता है, और स्लेटी टाइप के जो होते हैं वो स्टिकी सॉइल में यूज करते हैं, याद रखेंगे। स्पेशल फ्लो की बात करें, वहां पे हमें बहुत ज्यादा डेप्थ चाहिए होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा डेप्थ की जरूरत होती है, तो वहां पे सब सॉइलर का हम इस्तेमाल करते हैं या फिर चिजल फ्लो का। तो सब सॉइलर जो है वो डीपेस्ट जाता है, दैट इज 45 to 75 सेंटीमीटर एंड चिजल फ्लो इज 15 to 45 सेंटीमीटर। चिजल फ्लो के डेप्थ से IBPS AFO में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे पर्टिकुलरली इनको डेप्थ को। जैसे हमारा डेप्थ चाहिए होगा जिस फील्ड में, जिस तरह के क्रॉप्स होंगे, उस तरह के हम टिलेज इक्विपमेंट यूज करेंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंडरी टिलेज में। सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है, प्राइमरी टिलेज में आपने फील्ड के प्रिपरेशन को कर लिया डीप प्लोइंग करके, अब हमें अपने सॉइल को और फाइन बनाना है, फाइनर पार्टिकल्स तैयार करने हैं ताकि हमारा जो सीड बेड प्रिपरेशन अच्छा हो सके। तो क्रिएशन ऑफ प्रॉपर सॉइल टिल्थ फॉर सीडिंग एंड प्लांटिंग में हम सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं। प्राइमरी इज रिलेटेड टू ग्रेटर डेप्थ, सेकेंडरी में हम डेप्थ से मतलब नहीं रहता, टेक्सचर को बढ़िया करना होता है हमारे सॉइल को। तो इसमें कौन कौन से इंप्लीमेंट यूज करते हैं, पहला है हैरो, हैरो
ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, अपने सॉइल के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहेंगे उसको फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये 12 से 15 सेंटीमीटर डीप तक काम करता है और इसकी कैपेसिटी है 0.4 हेक्टेयर पर डे। नाउ कमिंग ऑन टू डिस्क हैरो इज वेरी सुटेबल फॉर हार्ड ग्राउंड विथ फुल ऑफ, जहाँ पे हार्ड होगा या फिर बहुत सारे ग्रासेस होंगे वहाँ पे हैरो हम यूज करेंगे बिकॉज ये कटिंग में हेल्प करता है। साइज ऑफ डिस्क इज अराउंड 35 to 70 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें स्प्रिंग टूथ टाइप ऑफ हैरो, ठीक है, पहला जो टाइप ऑफ हैरो होता है दैट इज स्प्रिंग टूथ, इसे हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे बरमूडा ग्रास या फिर क्वैक ग्रास जो कि पेरेनियल ग्रासेस हैं वहाँ पे हम यूज करेंगे स्प्रिंग टूथ को। स्पाइक टूथ की अगर हम बात करें तो यहाँ हम यूज करते हैं सॉइल डायरेक्टली आफ्टर प्लोइंग, यहाँ पे लेवलिंग के लिए बेसिकली यूज किया जाता है आपके स्पाइक टूथ हैरो को, स्प्रिंग टूथ को ग्रास के लिए, स्पाइक टूथ को लेवलिंग के लिए। एक्मी हैरो की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मल्च क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, अगर जब हम अपने सॉइल को प्रीवियस क्रॉप के जो स्टबल्स होते हैं उससे कवर करते हैं टू प्रिजर्व द मॉइस्चर तो उसको हम मल्चिंग कहते हैं। तो मल्चिंग के लिए कौन सा हैरो यूज होता है, एक्मी हैरो यूज होता है। नेक्स्ट इज अ ब्लेड हैरो, ब्लेड हैरो को हम कब यूज करेंगे, क्लेई और मल्ची सॉइल दोनों में यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैरो और उनके यूजेस हैं। रोटरी टिलर को अगर हम देखते हैं तो रोटरी टिलर क्या होता है, प्रोवाइड्स फाइन डिग्री ऑफ सॉलर सॉइल परवाइजेशन, और फाइनर हम सॉइल करना है, प्रिपेयर करना है सॉइल को, तो हम रोटरी टिलर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये लेवलिंग में हेल्प करता है। अगर हम राइस कल्टिवेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए, नवार्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पडलिंग इज डन एट स्टैंडिंग वाटर, कितने सेंटीमीटर वाटर रहेगा फील्ड में तब आप पडलिंग करोगे, बिकॉज विदाउट वाटर पडलिंग कैन नॉट बी डन। पडलिंग क्या होता है, जो सॉयल अवेलेबल होता है राइस फील्ड में उसे हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, उसे हम पडलिंग बोलते हैं। तो उसके लिए 5 से 10 सेंटीमीटर आपको वाटर चाहिए फील्ड में, ये नवार्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राइस कल्टीवेशन के लिए पडलर यूज होता है, केज व्हील यूज होता है, ठीक है, और जब प्लोइंग करेंगे इनिशियली राइस फील्ड प्रिपरेशन के लिए दैट इज आवर प्राइमरी टिलेज के लिए हमारा 20 से 25 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए, तभी राइस कल्टीवेशन अच्छा होगा, ठीक है, ये से आप याद रखेंगे। सिमिलरली आपके पास कुछ सोइंग इक्विपमेंट्स हैं जिसे आप पॉज करके एक बार देख सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट यू कैन सी वन सोइंग इक्विपमेंट, फरो ओपनर, फरो ओपनर से आप सीड को प्लांटेशन करने के लिए, प्लेस करने के लिए फरो ओपनर का यूज करते हैं। देन यूजर प्लांटर, प्लांटर का यूज हम लार्ज साइज सीड्स के लिए करते हैं, ये आप पॉइंट याद रखोगे। सिमिलरली पोटैटो प्लांटर, पोटैटो प्लांटर के लिए, ठीक है, कैपेसिटी 6,000 से 14,000 पोटैटो पर आवर में ये प्लेस कर देता है सॉइल में, ठीक है। तो ये डिफरेंट सोइंग इक्विपमेंट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। सोइंग इक्विपमेंट में फर्दर आपके मैनुअल पैडी प्लांटर है, जो पैडी प्लांटेशन होता है, ठीक है, वो हम इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। लाइक मैनुअली जो पैडी प्लांटर होता है वो 6 रोज में एक बार में प्लांट करता है, उसकी कैपेसिटी इज अराउंड 0.25 हेक्टेयर पर डे ये कवर कर सकता है। ये मैनुअल था, दिस इज सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी प्लांटर, तो इसमें हमें 1.2 से 1.8 एचपी तक के ट्रैक्टर की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ प्रोपेल्ड है, ये मैनुअल नहीं है। तो ये कितना कवर करेगा आपका, 0.05 से लेके 0.1 हेक्टेयर, तो दोनों को आप याद रखें, ये 0.1 हेक्टेयर तक है, ये 0.25 हेक्टेयर तक है, ठीक है। तो प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट, सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट, अब बढ़ते हैं हम, अब कौन से सोइंग इक्विपमेंट देखने के बाद हम इंटरकल्चरल इम्प्लीमेंट, तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, सॉइल को देन हमने फाइन कर लिया, तो इनमें कौन से इक्विपमेंट होते हैं वो देख लिया, अब हमने सीड को भी लगा दिया, सोइंग इक्विपमेंट भी देख लिया, अब बारी आती है इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, पहला स्टेप देख लिया हमने प्राइमरी, सेकेंड स्टेप हमने देख लिया सेकेंडरी टिलेज, थर्ड स्टेप इज सोइंग भी कर लिया हमने, अब फोर्थ स्टेज आ जाता है आपका इंटरकल्चरल ऑपरेशन। इंटरकल्चरल ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म इन फील्ड आफ्टर सोइंग एंड बिफोर हार्वेस्टिंग। तो सोइंग के बाद क्या होता है, जो हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स वगैरह फील्ड में आ जाते हैं तो उनको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। तो सबसे छोटा इम्प्लीमेंट दैट इज हैंड हो, जिसको हम हैंड से यूज करते हैं, और ये कवर करता है 5 से 7 सेंट पर डे में, बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट इज योर लॉन्ग हैंडल वीडर्स, तो ये हम ड्राई लैंड्स में यूज करते हैं लॉन्ग हैंडल वीडर्स, ठीक है। ये दो टाइप में आते हैं जनरली, स्टार्ट टाइप एंड पेक टाइप। स्टार्ट टाइप को हम ड्राई एंड लोमी सॉइल में यूज करते हैं, पेक को हम ड्राई एंड क्लेई सॉइल में यूज करते हैं, दोनों की कैपेसिटी लगभग सेम है, दैट इज 0.05 हेक्टेयर पर डे। नाउ मूविंग ऑन टू कल्टीवेटर,
कल्टीवेटर क्या होता है, सीड बेड प्रिपरेशन एंड रिमूवल ऑफ वीड्स दोनों के लिए हम यूज करते हैं। यह भी एक इंटरकल्चरल इम्प्लीमेंट है, तो यह एनिमल ड्रॉन भी हो सकता है, ये इंजन ऑपरेटेड भी हो सकता है। तो एनिमल जो ड्रॉन है उसकी कैपेसिटी है अराउंड 1.5 हेक्टेयर पर डे इन केस ऑफ जूनियर हो, यह भी एनिमल ड्रॉन है। और अगर हम स्वीप की बात करें, यह भी एक एनिमल ड्रॉन कल्टीवेटर है जिसकी कैपेसिटी है 1.75 टू 2.5 हेक्टेयर पर डे। कैपेसिटी आप जरूर याद रखें, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक व्हाइट शीट लें, व्हाइट शीट में अलग अलग इक्विपमेंट्स की अलग अलग कैपेसिटी एक पेज में नोट डाउन कर लें तो आपको आसानी से याद रहेगी। बिकॉज एवरी टाइम कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के, कि एनिमल ड्रॉन कल्टीवेटर की बताइए कैपेसिटी कितनी है, जूनियर हो की बताइए कैपेसिटी कितनी है। सिमिलरली इंजन ऑपरेटेड जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 0.75 से लेके 1 हेक्टेयर पर डे, और ये यूज होते हैं वाइडर स्पेस्ड क्रॉपिंग के लिए, इंजन ऑपरेटर जितने कल्टीवेटर होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 4 स्टेप्स क्लियर कर लिए। स्टेप 1 भी हो गया प्राइमरी टिलेज, सेकंड स्टेप था हमारा सेकेंडरी टिलेज, थर्ड स्टेप था हमारा सोइंग से रिलेटेड, फोर्थ स्टेज था हमारा इंटरकल्चरल ऑपरेशन, एंड नाउ फिफ्थ स्टेज दैट इज क्रॉप अब बड़े हो गए हैं, वीड्स को भी हमने हटा दिया, वीड्स को हमने हटा दिया तो अब बारी आती है स्प्रेइंग करने की, इंसेक्ट एंड पेस्ट जो भी लग रहे हैं हमारे क्रॉप में उन्हें हटाने की या एलिमिनेट करने की। तो हम इसमें स्प्रेयर यूज करते हैं। तो स्प्रेयर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम एंड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। तो हाई वॉल्यूम वो होते हैं जिसमें 400 लीटर पर हेक्टेयर से ज़्यादा का हम क्या करते हैं स्प्रे करते हैं, ठीक है। लो वॉल्यूम 5 से 400 लीटर पर हेक्टेयर एंड अल्ट्रा लो वॉल्यूम लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर। तो नैपसैक स्प्रेयर जो आप देखे होंगे, किसान जो नीले रंग के डब्बे जो अपने पीठ में लेके चलते हैं उसे हम बोलते हैं नैपसैक स्प्रेयर, ठीक है, उससे हम स्प्रे करते हैं। तो इस स्प्रे में जो पावर पी फॉर यहाँ पावर है, 3 से 12 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का पावर यूज होता है, ठीक है। रेंज इसकी है 500 लीटर पर हेक्टेयर, तो ग्रेटर देन जहां भी 400 आएगा वो कौन होगा हाई वॉल्यूम। तो नेक्स्ट स्टेप स्प्रेयर इज अ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर और इसकी कैपेसिटी कवर करने की है 0.5 to 1 हेक्टेयर पर डे, आपको याद रखना है ये पावर रेंज एंड कैपेसिटी तीनों से क्वेश्चन आते हैं कि कितना पावर जनरेट होता है 3 से 12 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर यूज होता है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लो वॉल्यूम, जो मैक्सिमम हमारे पास स्प्रेयर्स अवेलेबल है वो लो वॉल्यूम के ही होते हैं। सबसे पहला हैंड ऑटोमाइजर, इसे हम स्मॉल स्केल में ही यूज कर सकते हैं लाइक होम गार्डन एसेट्रा में। तो इसमें भी पावर आप देख लीजिए 0.15 to 0.3 एंड रेंज जो है इसकी 45 से 100 लीटर पर हेक्टेयर तक की है। हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर, इसमें देखिए जो पावर है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, दैट इज हमें 2 से 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी रेंज जो है 45 से 100 लीटर पर हेक्टेयर। सिमिलरली वे रॉक स्पेयर एंड पेडल स्पेयर, तो इनके जो तीनों कैपेसिटीज हैं इन्हें आप पॉज करके मैंने जैसा बताया एक वाइट शीट में नोट करके याद रखने की कोशिश करें, बिकॉज इन फिगर से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हमारे एग्रीकल्चर पार्ट में हमने 5 स्टेप्स क्लियर कर दिए टिल स्प्रेइंग, अब बारी आती है हार्वेस्टिंग की। तो हमने क्रॉप्स को सो कर लिया, उगा लिया, वीड्स को हटा लिया, इंसेक्ट एंड पेस्ट को मार लिया यूजिंग स्प्रे, अब बारी आती है क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने की। तो उसमें भी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज होते हैं। हार्वेस्टिंग में ही मैंने आपको जैसा कि बताया सबसे ज़्यादा मेकेनाइजेशन है, तो पैडी हार्वेस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो जो पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं बस इसी से क्वेश्चन आते हैं, आपको इतना ही याद रखना है। पैडी हार्वेस्टर में इसकी कैपेसिटी होती है 1.5 हेक्टेयर, ये एक दिन में कवर करता है। मोअर की बात करें तो मोअर इज यूज फॉर कटिंग ऑफ हर्बेज क्रॉप। हर्बेज क्रॉप मीन्स जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं, जो काफ़ी हर्ब्स होते हैं जिसमें मीन्स लीफी जो जितने प्लांट्स होते हैं उसको कट करने के लिए हम मोअर का यूज़ करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी होती है अराउंड 2 acre पर डे। कंबाइन की बात करें तो जैसा कि नाम ही है कंबाइन, ठीक है, ये रिपिंग का भी काम करेगा, थ्रेशिंग का भी काम करेगा, विनोइंग मीन्स हार्वेस्ट भी कर रहा है, थ्रेश करके जो ऊपर जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो सीड के उसको भी हटाता है और विनोइंग भी करता है। इसकी कैपेसिटी होती है अराउंड 1 acre पर डे। तो ये डिफरेंट हार्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट और उनकी कैपेसिटीज हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ हॉर्टिकल्चरल हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। सिट्रस हार्वेस्टर, ये 200 से 400 ट्री पर हेक्टेयर को हार्वेस्ट करता है। टर्मरिक हार्वेस्टर, दैट इज 1.6 हेक्टेयर पर डे, ठीक है, ये हार्वेस्टिंग करता है। नेक्स्ट इज अ पोटैटो डिगर, 0.4 हेक्टेयर पर डे तक ये पोटैटो, ठीक है, डिगिंग करके हार्वेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल हार्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनके कैपेसिटीज जिनको आपको याद रखने एग्जाम के लिए। अब दोस्तों आ जाते हैं हम फाइनली अपने फाइनल सेगमेंट की ओर इस लेक्चर के, दैट इज ड्राफ्ट पावर। मींस एक एग्रीकल्चरल
इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में आपको कितनी पावर की जरूरत है, ठीक है। तो इससे भी नाबार्ड ने 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि डिस्क फ्लो के आपको ड्राफ्ट को बताना था, ठीक है। तो आपको ड्राफ्ट पावर भी याद रखना है, तो इस टेबल को आप इस फॉर्म में याद रखें, इन वर्टिकल फॉर्म, तो आपको याद रखने में हेल्प होगी। दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर। एक मीटर इस इम्प्लीमेंट को खींचने में कितने किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत है, दैट इज ड्राफ्ट। तो चिजल फ्लो, ब्लेड फ्लो, डिस्क फ्लो, प्लांटर, इनके आप ड्राफ्ट पावर याद रखें। सबके नहीं रख सकते हैं, तो एटलीस्ट डिस्क फ्लो के आप याद रखें, एंड चिजल फ्लो के तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इन दोनों के आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ड्राफ्ट पावर कितना है, 4.5 से 5.5 और 5 से 6। तो ये डिफरेंट ड्राफ्ट पावर्स। दोस्तों ये है कुछ पावर एंड कैपेसिटी, डिफरेंट मशीन्स जो हम यूज करते हैं उनके कैपेसिटी। तो इनके पावर एंड कैपेसिटी को आप स्पेशली याद रखें, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नाबार्ड मेनी टाइम्स पूछता है, बिकॉज ये कैपेसिटी एंड पावर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। तो उन सोर्सेज से मैंने लिया है डेटा जो आपको याद रखना है। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में भी एंड 2017 में भी। एमबी फ्लो कैपेसिटी और इसकी पावर मीन्स कितनी कैपेसिटी, 1.5 से 2.2 हेक्टेयर पर डे इसकी कैपेसिटी है कवर करने की। पावर रिक्वायरमेंट, ये पहला वाला आपका एचपी में दिया गया हॉर्स पावर में, और दूसरा वाला आपका दिया गया किलोवाट में। तो इन दोनों पैरामीटर्स को आपको याद रखने हैं, एमबी फ्लो। डिस्क फ्लो में कितना होता है, सिमिलरली एमबी फ्लो में फिर दोबारा लिखा गया, सॉरी, डिस्क हैरो आपको देख लेना है, एंड रोटावेटर को भी आपको देख लेना है। तो इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करें, एटलीस्ट डिस्क फ्लो एंड डिस्क हैरो और एमबी फ्लो, इन तीनों को तो आप जरूर याद रखें, इनके पावर एंड कैपेसिटी को। मुझे पता है बहुत सारे स्टैट्स हो गए हैं, बट अभी एक बार में देखने पे कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आप एक व्हाइट शीट में सबको लिख लोगे और एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे, दो तीन बार देखोगे, तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, ऐसे आप याद रख सकते हो, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा लेक्चर फार्म पावर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, जिसे कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिस्टमैटिक सीरियल वे में पढ़ा है कि किस स्टेप में कौन सी एग्रीकल्चरल मशीनरी की जरूरत है, और हमने करंट स्टैट्स भी देख लिए जो कि ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से हैं। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने उन एवरी एरियाज को कवर किया जहाँ से कि पिछले साल पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जा सकते हैं, मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट कवर कर लिया है। तो आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ फॉर योर नबार्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम फार्म पावर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। प्लीज सब्सक्राइब अस, प्लीज शेयर द चैनल। दैट्स ऑल माई डियर फ्रेंड्स।